मुंबई में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। नंबर 10, कन्हेरी कैफ। कन्हेरी कैफ मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित एक प्राचीन स्थल है, जहां पर मानव द्वारा बनाई गई 2000 साल पुरानी गुफाएं मौजूद हैं। कन्हेरी शब्द संस्कृत शब्द कृष्णागिरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काले पहाड़। यह गुफा समूह 109 गुफाओं से बनी है। यहाँ की ज्यादातर गुफाएं बौद्ध साधुओं द्वारा रहने, पढ़ने और ध्यान लगाने के काम आती हैं। नंबर 9, फैशन स्ट्रीट। फैशन स्ट्रीट मुंबई की महात्मा गांधी रोड पर आजाद मैदान के पास एक 400 दुकानों का बाजार है। यहाँ हर चीज का भारी मोल तोल होता है और टूरिस्ट यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हैं। यहाँ पर आपको सर से लेकर पैर तक सवरने की सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी। ध्यान, यहाँ प्लास्टिक बैग पर रोक है। नंबर 8, एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम। मुंबई आके मस्ती करना तो बनता है, इस भागते दौड़ते शहर में थोड़ा समय निकाल के आप एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम जरूर जाइए। इस एंजॉयमेंट पार्क की स्थापना संस्थापक श्री सुभाष चंद्र ने की थी। यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों और लुभाने के लिए ढेरों सारे आकर्षण है। नंबर 7, रेड कॉर्पेट वैक्स म्यूजियम मुंबई के शहर में मौजूद है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैक्स म्यूजियम, यह म्यूजियम यहाँ के आरसीटी मॉल के अंदर बना है। यहाँ आकर वाकई आपको किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के रेड कॉर्पेट इवेंट का एहसास मिलेगा। यहाँ पर खेलकूद, राजनीति, बिजनेस और फिल्म जगत के मशहूर हस्तियों के वैक्स से बने स्टैचू मौजूद हैं। नंबर 6, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचते ही इसकी इमारत आपको ब्रिटिश काल की याद प्रकट कर देगी। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1887 में हुआ था। प्यार से लोग इसे सिर्फ ब्यूटी बुलाते हैं। यहाँ से टिकट लेकर आप मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर का भी अनुभव ले सकते हैं। क्या आपको पता है इस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना है। अगर आपने हमारे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। यह प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 5, श्री सिद्धि विनायक मंदिर। श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के प्रभा देवी इलाके में मौजूद है। इसे गणेश मंदिर का निर्माण 1801 में किया गया था। यह मंदिर राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों का पसंदीदा मंदिर है। श्री सिद्धि विनायक भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जहां हर साल श्रद्धालु करोड़ों का दान करते हैं। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए एक अमीर निसंतान औरत ने चंदा दिया था, ताकि और निसंतान औरतों का संतान सुख मिल सके। नंबर 4, बांद्रावली शिवलिंग। बांद्रावली शिवलिंग मुंबई के पश्चिम और दक्षिण भाग को जोड़ने वाला एक 5 किलोमीटर लंबा पुल है। इस पुल का डिजाइन काफी आधुनिक है और यहां से हर रोज करीब 40,000 वाहन गुजरते हैं। इस पुल की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए है। इसने मुसाफिरों का सफर 1.5 घंटे से बचाकर सिर्फ आधा घंटा कर दिया है। नंबर 3, एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के दक्षिण पूर्वी विभाग में मौजूद एक टापू पर स्थित है। यहाँ की गुफा में हिंदू व बौद्ध धर्म के देवी देवताओं की सैकड़ों आकृतियां बनी हुई हैं। इस द्वीप तक पहुँचने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से बहुत सारी सेवाएं चलती हैं, जो आपको यहाँ लगभग 1 घंटे में पहुँचा देंगी। इन गुफाओं को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेवी साइट के रूप में चुना गया था। नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया एक 26 मीटर ऊंची दरवाजा नुमा इमारत है, जिसकी नींव 1911 में रखी गई थी। इस इमारत का निर्माण 5वें किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के भारत पहुंचने के स्वागत के लिए किया गया था। इसके बाद ये दरवाजा अंग्रेजी वाइसरॉय के भारत आगमन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, इसलिए इसका नाम गेटवे पड़ा। शाम को यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। नंबर 1, मरीन ड्राइव। और पहले नंबर पर है मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रोड मरीन ड्राइव।
जिसे रानी का हार भी कहा जाता है, क्योंकि रात में ऊंचाई से देखने पर यहाँ मौजूद स्ट्रीट लाइट इसे हानुमा रूप में बदल देती है। मरीन ड्राइव के उत्तरी छोर पर चौपाटी बीच है। यहाँ पर भेलपुरी के शौकीन दूर दूर से आते हैं और साथ ही साथ आप समुद्र में पानी की लहरों को खेलता हुआ देख सकते हैं। मरीन ड्राइव के किनारे आप सुबह सुबह जॉगिंग का भी आनंद ले सकते हैं।